हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा आपके सामने है, भारती एक्सकॉम लिमिटेड द्वारा आईपीओ अनाउंस किया गया है। तो आज हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो इस कंपनी में या आईपीओ में इन्वेस्ट या अप्लाई करना, तो आप जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जी तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा, जो ये कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई 1995 में, जो कि ये कंपनी भारत के राजस्थान और उत्तर पूर्व दूर संचार सर्कल में ग्राहकों को फिक्स लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज की जो सेवाएं हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं। कंपनी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी और यहाँ पे बात करें तो जो इनका निवेश किया गया है, तो ये आप देख सकते हो दिसंबर 2023 तक 206 बिलियन का। और इसमें बात करें कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो 616 हैं अकॉर्डिंग टू डाटा दिसंबर 2023 तक के अकॉर्डिंग। और जो डिटेल हैं वो है लगभग 90,000 के समथिंग। जी हाँ, और जो इनके कस्टमर हैं दिसंबर 2023 तक वो है 19,144, और जिनमें से 4G और या 5G कस्टमर की बात करें वो लगभग है 18,839 के। जी तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी जो डिटेल है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट आईपीओ पर। तो आईपीओ की जो इन्होंने प्राइस रेंज फिक्स की है वो 542 से लेके 570 की है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है इसमें क्वांटिटी पे। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए 26 और मैक्सिमम 338। उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 14,092, मैक्सिमम 1,92,660। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको अलॉट होते हैं तो उनका अलॉटमेंट फाइनल होगा 8 अप्रैल तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 10 अप्रैल तक। और शेयर मिलने पर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी 10 अप्रैल तक और उनकी लिस्टिंग होगी 12 अप्रैल तक। जी तो ये आप देख सकते हैं। और ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो एक बार जरूर कंपनी का प्रोस्पेक्टस जरूर रीड आउट किया करें, ताकि इसमें जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल थिंग है वो आप चेकआउट कर पाएँ। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।